अस्सलाम वालेकुम। इस काम को करने के लिए आपकी एज 18 साल होना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो काम बताने वाला हूँ उस काम को करने से पहले आपको एक यूएसए टैक्स फॉर्म फिल करना होता है, उसको सबमिट करवाना होता है। इसलिए आपकी जो एज है वो 18 साल से प्लस होनी चाहिए, यानी कि आपका सीएनआईसी होना चाहिए आपके पास, तभी आप ये काम कर पाओगे। और यहाँ पे आपने अकाउंट किस तरह बनाना है और आप जो है अपने फॉर्म को सबमिट किस तरह करोगे, सारा कुछ मैं आपको ए टू जी बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर बात करें विड्रो की, तो विड्रो मेथड यहाँ पे जो है आपको पायोनीर मिल जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पायोनीर की जो अर्निंग है वो आप अपने इजी पैसा जैस कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी के साथ आप अपने जैस कैश में अपने पैसे विड्रो कर सकते हो। तो पायोनीर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे वर्किंग करेंगे और यहाँ पे आप अपनी अर्निंग को जो है पायोनीर के जरिए अपने जैस कैश में लेकर जा सकते हो। वर्किंग करना बहुत आसान है, सारा काम जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। तो अगर आप मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको सारे स्टेप्स की समझ आए कि किस तरह आपने यहाँ पे काम करना है, सबमिट फॉर्म किस तरह करवाना है और अर्निंग को निकलवाना किस तरह है। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली दफा आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की ऑनलाइन के रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और इस काम को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है और अब आपने जो है ना वीडियो को तवज्जो के साथ देखना है, सारे स्टेप्स को अच्छे से समझना है, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से काम कर सकें। तो अब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल में। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपने एक चीज़ सर्च करनी है, मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर आकर गूगल में सर्च करना है CPA ग्रिप, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला आपने लिख लेना है CPA ग्रिप, ये वाली आप लिखेंगे यहाँ पर आपके पास ये एक वेबसाइट आ जाएगी CPA ग्रिप के नाम से, इसका लोगो और यहाँ पर CPA ग्रिप लिखा हुआ ब्लू कलर में CPA ग्रिप लिखा हुआ है, आपने जस्ट इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है ना CPA ग्रिप यहाँ पे जो .com है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अब आपने सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है, आपने अच्छे स्टेप्स को सारे तवज्जो के साथ देख लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे खुद भी सारा इसी तरह आपने कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप नाउ लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना है, साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है साइन अप नाउ, यहाँ पे आपने साइन अप करना है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने वाली ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्स बने हुए हैं, जिनके आगे स्टार बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम के आगे स्टार बना हुआ है, तो ये आपने लाजमी फिल करना है। अब लास्ट नेम के आगे भी जो है ना यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो ये भी आपने लाजमी फिल करना है। जिनके आगे स्टार्स बने हुए हैं वो आपने लाजमी फिल करने हैं, और जिनके आगे स्टार नहीं बना हुआ उनको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो अब आपने क्या करना होगा, फर्स्ट नेम आपने अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर मेरा हमज़ा खान नाम है तो मैं यहाँ पर हमज़ा लिखूँगा और लास्ट नेम जो है खान लिखूँगा। यहाँ पे अगर अमीर हमजा लिखना चाहूँगा तो अमीर यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे हमजा लिख दूंगा। तो आपने अपना फर्स्ट नेम और फिर यहाँ पे लास्ट नेम, कंपनी को आपने स्किप कर देना है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, वेबसाइट में भी आपने कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे देखें स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ है, उसके आगे जो है ना स्टार बना हुआ है, तो ये आपने अपना जो स्ट्रीट है, आपका जो एड्रेस है, जो गली नंबर है, वो आप यहाँ पर एड्रेस पूरे का पूरा यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर कंट्री जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी, आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर एरो बना हुआ है तो आपने इसको भी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद रीजन स्टेट आपने लिख देना है कि आप पंजाब से हो, सिंध से हो, किस सूबे से हो, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे देखें जिप पोस्टल कोड लिखा हुआ है, ये जिप पोस्टल कोड हर शहर का अपना अपना होता है, तो अगर आप जैसे मैं जंग में रहता हूँ तो मेरा जो है पोस्टल कोड 35200 है, तो आप मुल्तान में रहते हो या लाहौर में रहते हो या इस्लामाबाद में रहते हो, तो आपने क्या करना है गूगल में जाकर अपने शहर का नाम लिखना है और उसके आगे पोस्टल कोड लिखना है, तो आपका पोस्टल कोड जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर आपने वो पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें फोन नंबर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना है, जो भी आपके पास फोन नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्काइप लिखा हुआ है, अगर आपकी स्काइप की आईडी है तो आप वहाँ से यहाँ पे फिल कर दोगे, अगर आपकी स्काइप की आईडी नहीं है तो बस जस्ट आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और ये वाला जो है आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें आपका जीमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड रख लेना है, जो भी आप रखना चाहते हो स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने यहाँ पे रख देना है, और फिर से वही पासवर्ड आपने यहाँ पे नीचे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है चूज अ सिटी जोन, तो यहाँ पे आपको इस्लामाबाद वाला सिटी जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, आपने इस्लामाबाद वाले को यहाँ पे तलाश कर लेना है और उसको आपने यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है इस्लामाबाद, तो यहाँ पे जो है ना कराची इस्लामाबाद को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ये देख सकते हैं इस्लामाबाद कराची जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, सिटी टाइम जोन जो है वो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, इस बॉक्स को आपने छोड़ देना है। और यहाँ पे देखें तीन बॉक्स आपको मिल रहे हैं, इन तीनों बॉक्सेज पे आपने इस तरह टिक मार्क कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है।
तो रजिस्टर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको थ्री डॉट मिल रहे हैं, यहाँ पे आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट पे आपको जो है ना लॉगिन का बटन नजर आ रहा है, आपने जस्ट लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आपने डालनी है अपनी जो अकाउंट बनाते हुए लगाई थी, और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड डाला था वो आपने लगाकर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपके पास ये जो वेबसाइट है वो आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको ओपन होने देना है आपने, ये देख सकते हैं एक चैट बॉक्स बना हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। और नीचे थोड़ा सा चलते हैं, पहले आपको जो है वो यहाँ पे काम भी बता देता हूँ, उसके बाद आपको टैक्स फॉर्म फिल करना बताऊँगा और उसके बाद आपको विड्रॉ का मेथड बताऊँगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक दो यहाँ पर सेटिंग जो है वो हमारी रहती हैं, वही तो आपको बतानी है जो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट मेथड आपने कैसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अकाउंट की सेटिंग जो आपके फॉर्म फिल करना है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये। तो उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, ये बाद में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे पहले काम समझ लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली एडेड ऑफ़र, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऑफर्स मिलती हैं जिन ऑफर्स को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे पे आउट भी सामने लिखा हुआ है। अगर आप इस ऑफर को कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं पे आउट लिखा हुआ है वन, यहाँ पे देख सकते हैं $1 से भी प्लस का जो है यहाँ पे आउट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें इस ऑफर को कंप्लीट करने पर 0.15 और यहाँ पे देखें 0.55 और यहाँ पे देखें 0.55 और यहाँ पे नीचे भी और भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑफर्स पे जो है पे आउट यहाँ पे सामने उनका लिखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलें, यहाँ पे देखें टॉप परफॉर्मिंग ऑफर, यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग ऑफर भी चल रही हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप इस ऑफर को कंप्लीट करते हो तो 1.58 जो है यहाँ पे डॉलर अर्न कर सकते हो, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे 6-6 डॉलर तक आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, $2, $5, $4 और यहाँ पे जो है एक दिन का $23 मैंने आपको बताया था थंबनेल पे, तो आप इससे भी ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ये आपको मैंने काम बता दिया, ये इसको मजीद भी आगे बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो है अब यहाँ पे आपको ऊपर थ्री डॉट का बटन नज़र आ रहा है, इस थ्री डॉट वाला बटन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑफर टूल्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे माई ऑफर्स लिखा हुआ है, तो माई ऑफर्स पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। माई ऑफर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें ये ओपन जैसी वेबसाइट होती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कुछ ऑफर्स यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पे भी आप इन ऑफर्स को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखें ये आपको जो है यहाँ पे देखें इस ऑफर को कंप्लीट करने पे आपको 0.55 मिल रहा है, यहाँ पे 0.12 और यहाँ पे देखें 0.48 और यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी इस तरह से ये आपको यहाँ पे भी ऑफर्स जो है वो नज़र आती हैं, यहाँ इन ऑफर्स को भी आप कंप्लीट कर सकते हो और आप अपने अर्निंग को जो है बढ़ा सकते हो। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा टॉप ऑफर्स को, और यहाँ पे देखें आपको रेफरल प्रोग्राम का भी यहाँ पे आप यहाँ पे देखें रेफरल प्रोग्राम का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे रेफर करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। ऑप्शन नीचे आपको मिल रहे हैं, ये पेमेंट वाला है और नीचे जो है अकाउंट सेटिंग वाला है। अब यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में वो आपको फॉर्म मिल जाता है जो आपने फिल आउट करना है यूएसए वाला, और जो है यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पहले देख लेते हैं, फॉर्म को फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम जो है पेमेंट मेथड देखेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे लिखनी होती है, स्काइप का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप अपना नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपकी जीमेल एड्रेस आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखें इंटरनेशनल पब्लिशर्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, उसके नीचे आपको फाइल W8 इंटरनेशनल के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने क्या करना है इस पर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला जो है एक फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे जो है ना ये वाला फॉर्म आपने फिल करना है। यहाँ पे मेरी कुछ चीज़ें फिल हुई हैं तो मैं ये ब्लर कर दूंगा और आपने यहाँ पे एक एक चीज़ को जो है फिल आउट खुद करना है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट पे आपने नाम लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है, स्ट्रीट जो है वो आपने लिख देनी है, अपना जो भी आपका जहाँ पे आप रहते हो वो आप चीज़ें सारी डालेंगे, जिप कोड वगैरह, और यहाँ पे जो है बिलिंग एड्रेस, जो भी आपका सिटी टाउन है, स्टेट है, जिप कोड है, वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे डालते जाना है। अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी यहाँ पे रिक्वायर हो वो आपने फिल आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपने साइन कर देने हैं अपने, और यहाँ पे नीचे देखें सेव का बटन है, आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से आपने यहाँ पे थ्री डॉट पे जाऊँगा, थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे जो है पेमेंट सेंटर पे मैं क्लिक करूँगा, आपको पेमेंट सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, इसके सामने यहाँ पे जो है एरो बना हुआ है, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, पास पायोनियर का,
प्रीपेड कार्ड है तो आप यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास ऑनलाइन ऐप है पायोनियर का तो आप ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, पायोनियर ग्लोबल बैंक ट्रांसफर वाला, तो ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे भी आपको पेपाल वगैरह इस तरह से पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट है कि पायोनियर वाला जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वो वाला सेलेक्ट करेंगे, पायोनियर ग्लोबल बैंक वाला। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और इसको अटैच कर लेना है। ये वाला सारा चीज करने के बाद यहाँ पे नीचे देखें सेव का बटन है, तो आपने यहाँ पे इसको भी सेव कर देना है। ऊपर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे $50 जब आपके मिनिमम पेमेंट बन जाती है तो आप यहाँ से $50 यहाँ पे निकलवा सकते हो। जो आपकी मिनिमम पे आउट है वो आपको $50 यहाँ पे बनाने होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे जो है अपनी पेमेंट जो है निकलवा सकते हो पायोनियर के जरिए। जो मैं आपको पहले बता रहा था यहाँ पे चैट बॉक्स आपको मिल जाता है, यहाँ पे देखें आपको जो है $25 अगर आपके यहाँ पे अकाउंट में बन जाते हैं तो आप यहाँ पे इस चैट बॉक्स में भी शामिल हो सकते हो, लोगों के साथ बातें कर सकते हो। यहाँ पे आपको USA के और इधर उधर कंट्रीज़ के आपको यहाँ पे लोग देखने को मिल जाएंगे, आप उनसे चैट भी यहाँ पे कर सकते हो, पब्लिक चैट यहाँ पे ओपन है। और आपको यहाँ बताता चलूँ, यहाँ पे टॉप ऑफर्स पे क्लिक करूँगा, माय ऑफर्स पे क्लिक करूँगा और उसको आप जो है इन ऑफर्स को आपने कंप्लीट कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ कि इन ऑफर्स को आप कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ पे काम आप कैसे करोगे। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आपको यहाँ पे पहला जो मिल रहा है 0.55 वाला, अब इस पर मैं क्या क्लिक करूँगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखें एक ऐड आपको शो हो रहा है और इसकी पेमेंट जो है $0.55 है। और अगर यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला जो लिंक है इसको अगर आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इस तरह से कॉपी कर लेंगे और इस लिंक को आपने फैलाना है लोगों तक। अगर एक बंदा यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपको जो है $0.55 जो है अर्निंग हो जाएगी, एक बंदा अगर इस पे क्लिक कर देगा। अगर बाहर की कंट्री का कोई करेगा तो इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई क्लिक करेगा तो आपको $0.55 एक यहाँ पे क्लिक पे मिल जाएंगे। जो लिंक आपको मिल रहा है इस लिंक को आपने फैलाना है अपने सोशल मीडिया पे। जैसे ही आप इस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा, एक बंदा क्लिक कर देगा तो आपको $0.55 अर्निंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आपने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स जो है वो आपने सर्च कर लेना है। वहाँ पे आपको बाहर के कंट्रीज के भी मिल जाएंगे ग्रुप लिंक्स और जो है आपको पाकिस्तान के भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स मिल जाएंगे, तो उसमें आप यहाँ पे ये वाला जो लिंक है वो फैला सकते हो। जैसे ही लोग एक पे क्लिक करेंगे आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, एक लिंक पे क्लिक करने पे आपको जो है $0.55 आपको अर्निंग हो जाएगी। लिंक पे एक बंदा क्लिक करता जाएगा तो आपको $0.55 अर्निंग होती जाएगी, जितने भी लोग क्लिक करते जाएंगे आपको यहाँ पे पेमेंट जो है वो रिसीव होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो है रिसीव नज़र आती जाएगी जितनी भी आपकी अर्निंग होगी। आपके $25 बन जाएंगे तो आप इस चैट में शामिल हो सकते हो और जैसे ही आपकी जो है अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, $50 अगर आप यहाँ पे अर्न कर लेते हो तो आप यहाँ पे जो है अपनी अर्निंग को आसानी के साथ अपने पायोनियर में लेकर जा सकते हो और अब यहाँ से जो है अपने विड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे जो ऑफर्स आपको मिल रही हैं इनको आप जो है पाकिस्तान में जो भी होंगी उनको जो है यहाँ पे देखें इनके साथ जो है मुल्कों के झंडे बने हुए हैं। अगर आपके मुल्क का जहाँ पे झंडा बना हुआ है तो आप यहाँ पे इसको आसानी के साथ इस ऑफर को कंप्लीट कर सकते हो। जिनके सामने अगर आपको और एक फ्लैग नज़र आ रहे हैं, कुछ और फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ के, तो आप यहाँ पे वेपन वगैरह भी यूज़ करके इन ऑफर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। कहता हूँ आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल पहली दफ़ा आए हो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं फिक्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।